I am Dr. Trivedi, president of the Seva Mandal Education Society, and I would like to thank the MUHS for giving us this opportunity to host this program of Spandan 2024 Youth Festival, Cultural Youth Festival, and I would like to wish all the participants good luck that they should win this competition. Yeah, I am Dr. Bharat Pathak, Secretary of Seva Mandal Education Society. First of all, this is a really remarkable where so many participants are there, and we wish all of them to... Basically, the participation is important. Winning or losing is not that important. So we congratulate for all the participants. I feel honored ki aaj mujhe yahan par invite kiya gaya. I congratulate to the whole team of Spandan 2024. Inka jo tagline hai rhythm of life, it is exactly correct kyunki life ko rhythm to chahiye, music to chahiye. And to every participant who is participating in various events today or tomorrow in the events, so I wish them all the best and do your best. आप किस तरीके से रिदम को यहाँ पर लोगों तक पहुँचाएंगी, खासकर तक अपनी बात पहुँचाएंगी? मैं अपने रिदम को पहुँचाऊँगी, मैंने अभी एक परफॉर्मेंस दिया जिससे कि मैंने मतलब उनके टेंशन को कम करने की कोशिश की. आई जस्ट ट्राई टू मेक देम फील लाइक कि हाँ वी आर द सेम, और हम लोग वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, और बस उनको एक टेंशन रिलीव करने के लिए मैंने उनको गाना भी सुना दिया है और वो अच्छा ही करेंगे. रिदम का होना और पढ़ाई को साथ में लेकर चलना, दोनों कैसे मैनेज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, म्यूज़िक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि म्यूज़िक इज़ अ पेन रिलीवर. क्योंकि जो भी हो चाहे लाइफ में, बट अगर म्यूज़िक साथ में है, रिदम साथ में है, और आपका जो एक लय आपके साथ में है, तो आपकी लाइफ अच्छे से सुरीली कट जानी है. तो इट्स ऑल नाइस. माय नेम इज़ डॉक्टर स्वप्निल तुरुणे. आई एम पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज. महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, ये महाराष्ट्र की एक यूनिवर्सिटी है. इसमें 560 से अधिक हेल्थ साइंस के कॉलेजेस हमसे एफिलेटेड है, और ये जो स्पंदन नाम के जो यूथ फेस्टिवल है, ये पूरे महाराष्ट्र के सभी एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट के लिए यह ऑर्गेनाइज किया जाता है. महाराष्ट्र के 5 अलग अलग जगह में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है. तो सेवा मंडल संस्था का जो रेपुटेशन है, उनका जो प्रतिष्ठा है इस पूरे प्रभाग में, इस वजह से उनकी यूनिवर्सिटी ने यहाँ ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया, और पूरे महाराष्ट्र के हर एक ज़िले से यहाँ स्टूडेंट्स आए. 2 दिन के लिए फेस्टिवल चलने वाला है, और लिटरेरी फेस्ट यहाँ होने वाला है. यहाँ अलग अलग प्रकार की कॉम्पिटिशन होने वाली है. इसमें से जो विनर रहेंगे वो यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट करने वाले हैं. बहुत सारे यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जो यूफोरिया रहता है, जो एक उत्साह रहता है, उमंग रहता है, जो एक वातावरण रहता है, उसकी पुरानी याद वापस ताज़ा हो गई. इसलिए धन्यवाद सभी का. डॉक्टर नितिन कावेड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार MUHS हेल्थ साइंसेज. मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखता हूँ, और इस कल्चरल इवेंट का यूनिवर्सिटी ने मुझे कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया हुआ है. ऑन दिस बिहाफ मैं यूनिवर्सिटी के MUHS कल्चरल फेस्ट को, स्पंदन 2024 को, ऑल पार्टिसिपेंट्स को बेस्ट विशेष देता हूँ, एंड
दे पार्टिसिपेट, द पार्टिसिपेशन इज द की, और जो भी जीतेगा उसको आप बेस्ट विशेस दीजिए. थैंक यू. कितनी तैयारी लगी इस दिन को कामयाब करने के लिए, और कितने स्टूडेंट्स से आप लोग कनेक्ट करते हैं ताकि वो खुल के बाहर आए? मी शिल्पा अशोक शेट्टीगा, प्रिंसिपल श्रीमती सुनंदा प्रवीण गंभीरचंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग. आणि मी सर्वात प्रथम महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांचे आभार मानते की त्यांनी आम्हाला ही संधी दिली की हा स्पंदन रिदम ऑफ लाईफ हा आम्ही आज इथे ऑर्गनाईज करू शकलो. हा कार्यक्रमासाठी एक महिन्यापूर्वी 12 मार्चपासून पहिली मीटिंग ऑर्गनाईज करण्यात आली आणि तिथून आमचे कंटिन्युअस युनिव्हर्सिटीसोबत रेग्युलर मीटिंग्स ह्या होत आहेत. आणि आज या प्रोग्रॅमला इथे 300 जास्त स्टुडंट आणि कोऑर्डिनेटर आणि स्टाफ्स अवेलेबल आहेत. आणि मी सगळ्यांना इथे कॉंग्रॅच्युलेट करते, माझ्या संस्था चालक आणि माझे स्टाफ यांच्यामुळे आज हा प्रोग्रॅम इथे सक्सेसफुली मी ऑर्गनाईज करू शकले. तसंच सर्व विद्यार्थ्यांना मनापासून शुभेच्छा की त्यांनी या पूर्ण कार्यक्रमाचं आयोजन जे आहे ते उत्सुकपणे एन्जॉय करावं आणि इथल्या चांगल्या मेमरीजने इथून जाताना चांगल्या मेमरीज घेऊन जावं. थँक्यू. माय सेल्फ मिस डेल्फिना महेश गुरव, आय एम दी व्हाईस प्रिन्सिपल ऑफ सेवा मंडल एज्युकेशन सोसायटी श्रीमती सुनंदा प्रवीण गंभीरचंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग. सबसे पहले महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक, ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है इनकी हम तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये कॉम्पिटिशन होस्ट कर सके. स्पंदन 2024, द नेम इट्सेल्फ हैज़ सो मच ऑफ रिदम इन इट. तो ये हम बहुत ही राह देख रहे थे कि कब हम कोई तो एक एस्पेक्ट ऑफ स्पंदन होस्ट कर सके. और ये लिटरेरी 2024 इवेंट जो है जिसमें कि 3 कॉम्पिटिशन्स हमारे यहाँ होने वाले हैं, एज मैडम ने जैसे बताया कि 300 से अधिक स्टूडेंट्स यहाँ पर उपस्थित थे, बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स आए हुए हैं और हम बहुत कोशिश से ये कर रहे हैं कि जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशंस में कोई कमी ना पड़े और कमी ना हो. और वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू डू ऑल द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देम. एंड इसमें जो भी एज हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, आप सभी को पता है कि बहुत स्ट्रेसफुल एडुकेशन होता है मेडिकल एडुकेशन, उसके बीच में यूनिवर्सिटी का ये जो भी धोरण है कि इन्होंने ऐसे टाइप ऑफ कल्चरल फेस्ट बीच में उसमें ऐड कर दिए हैं जो कि विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू यू नो रिलीज एंड एलिवेट देयर स्ट्रेस. तो वी आर हैप्पी दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड वी वेलकम एवरीबडी टू दिस. और क्या क्या यहाँ पर पार्टिसिपेंट, क्या क्या आप लोगों ने? सो वी हैव हमारे यहाँ 3 कॉम्पिटिशन्स हैं. एक है प्रश्न मंजूषा विच इज क्विज कॉम्पिटिशन, एक है डिबेट एंड वन इज़ द एलोकेशन कॉम्पिटिशन. आप सभी को पता है कि बहुत सारे विषय हैं अभी जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन और उनके विचार को जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे हमारे देश ऑलरेडी एस्पायरिंग विचार सरणी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इसके ऊपर भार दे रहे हैं. सो वी आर वांटिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड और उनके जो विचार धारणा है वो जान सके, ताकि जैसे सर ने कहा कि विकसित भारत के लिए उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो दैट विल डेफिनेटली हेल्प इंडिया टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री.